Okay, hi guys. Good evening. So, let's for the session. फॉर्मल इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं गाइस. सो आज के एथलेट मीट में माय नेम इज मितेश जाधव. त्रिविद एंड बियाफोन टीम सेलिब्रेशन सॉल्यूशन की तरफ से वेलकम यू ऑल गाइस. मेरी बात करूँ तो आई एम अ फिटनेस फ्रीलांस ट्रेनर जो लास्ट 11 साल से इस फील्ड में हूँ. देन आज के हमारे ये सेशन में ऑब्वियसली आप सबको पता ही होगा कि फिटनेस रिलेटेड ही बात होने वाली है. और देखा जाए तो आज की लाइफस्टाइल को लेके, वर्कआउट्स को लेके, बैलेंसिंग डाइट को लेके एथलीट मिप है. और आज के हमारे जो गेस्ट हैं वो आप सभी को पता ही है, हमारे पोस्टर छूट चुके थे, स्टेटस में आ गया. ऑब्वियसली सर के बहुत सारे फ्रेंड्स होंगे, उन सबको भी पता ही होगा. तो मैं उनका इंट्रो देने से पहले उनके अचीविंग के बारे में थोड़ा बात करना चाहूँगा. सो गाइस, उनके अचीविंग के बारे में मैं बोलूँ तो सर के 7 टाइम गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम रह चुका है. सेकेंड अचीविंग बोलूँ तो उनको दादा साहब फाल्के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है. और थर्ड बात करूँ तो जैसे कि कराटे, जुजुत्सु, कूडो, इन सब में सब ब्लैक होल्डर है, ब्लैक बेल्ट होल्डर है. सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं सर को बुलाना चाहूँगा. लेट्स मीट हिम इन फ्यू मिनट्स. मिस्टर विस्पी खराड़ी सर. इन फ्यू मिनट्स गाइस खड़े रहिएगा. हेलो, गुड इवनिंग सर. हाय मितेश, हाउ आर यू? ऑल गुड सर, हाउ आर यू? गुड गुड गुड। आज अच्छा ने आज अच्छा ने आज अच्छा नेटवर्क है। यस यस सर. होपफुली आज का सेशन हमारा ओवर हो जाए और बहुत अच्छे से जाए, लोगों को मज़ा भी आए. आई होप सर, स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बोलना चाहूँगा कि हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, सो उनको कुछ भी पूछना हो या कुछ भी बताना हो, यू कैन आस्क हियर. हम होपफुली उसका आंसर देने की ट्राई करेंगे. और आपको या ओके. सो सर, स्टार्ट करने से पहले हेलो मितेश। सर, यही कि आपकी जो जर्नी रही फिटनेस रिलेटेड, वो कब स्टार्ट हुई थी, कौन से ईयर से स्टार्ट हुई, और इतने सारे अचीवमेंट, सो कैसे, हाउ टू पॉसिबल? अचीवमेंट्स है पर वो पूरे बहुत सारे सालों में मुझे अचीव करने में मुझे टाइम लग गया और मुझे काफी टाइम मिला फॉर्चुनेटली कि ये सब मैं कर पाया। तो स्कूल टाइम्स में स्पोर्ट्स में ऑलवेज था, तो काफी स्पोर्ट्स खेला, साथ में मार्शल आर्ट सीखता रहा था ऑलवेज। और फिर एजुकेशन में भी पढ़ाई तो अच्छी करनी थी क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड वैसा था। फिर जॉब किया बैंक में मैनेजर के हिसाब से, मैंने 11 साल बैंक में नौकरी की। फिर 2015 में मैंने जॉब छोड़ी, आई रिजाइन फ्रॉम अ बैंक जॉब एंड देन स्टार्टेड माय फर्स्ट क्लास इन इन मार्शल आर्ट्स, जो सन सिटी जिम में पहले मैंने क्लास, फर्स्ट क्लास मेरा वही था। फिर मैंने जिम में पर्सनल ट्रेनिंग के, जिम में भी ऑलवेज आई वाज ऑलवेज एंटू अबाउट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, उसके बारे में बहुत पढ़ता रहता था, सर्टिफिकेट्स भी करता रहता था साथ साथ में।
तो उसमें पर्सनल ट्रेनिंग देना चालू किया. एंड देन आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट दिस अपॉर्चुनिटी कॉल्ड एथलेटिका. सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट. सर तो ये मार्शल आर्ट का जो बोलने जाऊं, सो मार्शल आर्ट का पहले से ही आपको शौक था कि फिर किसी के थ्रू या? हाँ मुझे नहीं, मुझे पहले से शौक था क्योंकि मेरा मेरे घर में ही ऐसा माहौल था. मेरे फादर रेसलर थे तो उनको मैं देख रहता था. ही हैड अ वेरी वेरी ही स्टिल हैज अ वेरी वेरी गुड फिजिक एट दिस एज. और वो टाइम में तो डेफिनेटली ही वाज वन ऑफ द बेस्ट क्योंकि वो रेसलर थे, कुश्तीबाज थे. और वो मुझे बचपन से ही ऐसे मूवीज जैसे कि रॉकी है, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर की उसकी उनकी मूवी है, पंपिंग आयरन, उनकी बड़ी बड़ी एनसाइक्लोपीडियाज लाके मुझे देते थे पढ़ने के लिए. तो वैसे ही मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया. मतलब आपने बचपन से अपने फादर को देख मोटिवेट होते रहे? यस 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 वेरी ट्रू. और सर ये जो आपके वो जीन्स जीन्स अच्छा होना बहुत जरूरी है. ऑब्वियसली सर, ऑब्वियसली जीन्स जितना अच्छा हो उतने अच्छे आपकी फिजिक्स रहती है. बिल्कुल, स्टार्टिंग स्टार्टिंग वहीं से होता है. यस ऑब्वियसली. और आप बचपन से किसको देख रहे हो, जैसे कि किसके साथ रह रहे हो, मोटिवेशन कहाँ से मिल रहा है, वो भी ऑब्वियसली बहुत फर्क पड़ता है. तो सर आपका जो ये सब ये स्टार्ट हुआ गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड में, ये सब आपने कहाँ से स्टार्ट किया सर? ये कौन से ईयर से स्टार्ट किया जो 7 times आपको अचीव हुआ? ये 2011 में फर्स्ट गिनीज रिकॉर्ड हमने किया था. मतलब 2011 जो नेल बेड सैंडविच था, फिर हम धीरे धीरे करते गए. 2014 में किया, फिर 2017 में किया, 2018 में वापस किया, 19 में किया. सो अलग अलग सब करते गए. सो मैं वापस यही बोलना चाहता हूँ कि गिनीज रिकॉर्ड्स इज नॉट अबाउट मार्शल आर्ट. स्टंट करना मार्शल आर्ट्स नहीं है, ठीक है? वो एक अपना खुद का चॉइस है कि आप अपने आप को एक अलग लेवल पे दिखना चाहते हो, वैसा है. तो इट इज नॉट अबाउट मार्शल आर्ट्स. मतलब सर आपने फिटनेस इंडस्ट्री ज्वाइन करने से पहले ये सब अचीविंग वहां से स्टार्ट हुई है, लाइक 2011 से? और आपने मैं बैंक में ही था और मैंने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किए थे. गुड सर. और आपने जब बैंक को स्विच किया और फिटनेस इंडस्ट्री में जब स्टार्टअप किया, तो आपको कोई थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हुआ? आपको ऐसा लगा कि भाई मैंने कुछ गलत डिसीजन लिया है, ऐसा कभी फील हुआ? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मैंने गलत डिसीजन लिया, लेट कर दिया. मतलब फिटनेस इंडस्ट्री में आने के लिए लेट कर दिया. हाँ. और हाँ, आप अभी नाउ अभी यू आर फिटनेस मैनेजर डायरेक्टर ऑफ एथलेटिका जी वापिस. तो गुड सर. देन ये आपका जो दूसरा एक बोलना चाहता हूँ सर कि आप लोग जो बच्चों को ट्रेन करते हो, हाँ, सो उसमें मिनिमम क्या होता है सर? आपके कितनी एज से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? मिनिमम एज इज 5 years. हम लोग 5 साल की एज से बच्चों को सिखाना चालू करते हैं, पर उससे नीचे भी बच्चे अगर आए और क्लास में रह सकते हैं तो हम उनको ले सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सर अगर वो को बच्चा प्रिपेयर हो जाता है और ये कॉम्पिटिशन के लिए रेडी भी हो जाता है, तो आप लोग कैसे उसको वो करते हो? सी कूडो, हम लोग, मैं कूडो प्रमोट करता हूँ. कूडो बेसिकली मिनिस्ट्री में मान्यता प्राप्त हुई एक स्पोर्ट है. तो उसमें डेफिनेटली डिस्ट्रिक्ट्स होती है, स्टेट चैंपियनशिप होती है, नेशनल्स होती है, स्कूल गेम्स होती है, हमारी ओपन नेशनल होती है, बहुत सारे कॉम्पिटिशन आती रहती है. तो उसमें बच्चे पार्ट लेते हैं, उनको अचीवमेंट्स मिलते हैं और उसमें गवर्नमेंट की तरफ से उनको फायदा भी होता है. तो वो बच्चे खुद मोटिवेट होकर करते रहते हैं. गुड सर. और ये जो आपका है जुजुत्सु, कूडो, कराटे, ये सब अलग अलग चीजें हैं या फिर मार्शल आर्ट का कोई? नहीं नहीं नहीं, सी इट इज लाइक मार्शल आर्ट इज अ यूनिवर्सिटी. मार्शल मतलब जो भी मिलिट्री कंसेप्ट पे जो कंसेप्ट बना हो, जैसे कि हम लोग ये सेल्फ डिफेंस या फाइटिंग आर्ट हो, उसको मार्शल आर्ट बोलते हैं, ठीक है? और मार्शल आर्ट एक यूनिवर्सिटी है, उसके अंदर अलग अलग कोर्सेज, यूनिवर्सिटी के अंदर जैसे कोर्सेज होते हैं वैसे कोर्सेज हैं. कराटे होता है, जुजुत्सु होता है, जूडो होता है, टाइक्वांडो, कराटे, एक्सेट्रा, नो एंड नंबर ऑफ कोर्सेज. तो दे आर ऑल डिफरेंट फेसेस ऑफ वन यूनिवर्सिटी कॉल्ड मार्शल आर्ट्स. अगर कोई भी ऐसा आपको बता दे कि मैं आपको मार्शल आर्ट सिखा दूंगा, आप मेरे क्लास पे आइए, तो वो आपको बेवकूफ बना रहा है. कोई मार्शल आर्ट सिखा नहीं सकता.
मिक्स मार्शल आर्ट सिखा सकता है, 3, 4, 5, 6, 8 का मिक्स करके बना सकता है, वो अलग मैटर है, पर पूरा मार्शल आर्ट्स तो आई डोंट थिंक सो कि कोई किसी कोई सीख भी पाएगा और करा भी पाएगा, मतलब इतना टफेस्ट है वो पूरी दिन, बहुत डीप सब्जेक्ट है, बहुत सीखना है अंदर, अलग देखना चाहता हूं, बहुत डीप सब्जेक्ट, सो गुड है, क्योंकि मैं भी 2016 में एक बार आपके पास सन सिटी जिम में आया था रात को 10:30। या बेसिकली हाँ, आई मिक्स मार्शल आर्ट्स एक अलग मेरा क्लास है जो मैं सिर्फ बड़ों को सिखाता हूँ, तो उसमें मेरी टेस्टिंग होती है, मैं अगर कोई फिल्मों से प्रभावित होके मार्शल आर्ट सीखना चाहे तो मैं उनको ज्यादा इतना मोटिवेट नहीं करता कि लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इतना ईजी नहीं है करना, तो जिसको जुनून होता है और मोटिवेशन होता है कि हाँ मुझे एक्चुअली कुछ करना है सीखना है तभी वो सीख पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, सिर्फ वो एक एक्टिविटी के हिसाब से ज्वाइन करना चाहे तो फिर कर नहीं पाएगा। सो व्हाई वेस्ट हिज टाइम एंड माय टाइम। हाँ वो, और मैं तो व्यूअर्स को ये भी बोलना चाहूंगा कि भाई कोई मूवी देख के सर के पास जाना, नहीं तो बहुत मार खाना पड़ेगा क्योंकि मैंने खाया है एक बार मार, देखो मार तो ऐसा वो एक एक टर्म हम बोलते हैं कि मार बहुत खाना पड़ती है, पर ऐसा नहीं है, इट इज कॉल्ड कंडीशनिंग, सो धीरे 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 बढ़ती रहती है और आप करते हो। ओके सो आपका पहले से स्टार्टअप ही होता है कि भाई अगर कोई क्लाइंट आता है या कोई ट्रेनी आता है तो उस हिसाब से उसको ट्रेन करना पड़ता है? नहीं नहीं ऐसा ऐसा हर टाइम नहीं होता है, डिपेंड्स डिपेंड्स, ये सिचुएशन पे डिपेंड है और जो सामने आ रहा है उसको देख के समझ के करना पड़ता है। चलो सो ये तो सर थी आपकी जर्नी और आपके अचीवमेंट के बारे में जी। सो मेरा सेकंड क्वेश्चन सर यही है कि आज की लाइफस्टाइल को लेके सर आपका डाइट के रिलेटेड क्या है? जैसे हम लोग बोलते हैं कि लोग अभी कीटो डाइट को बहुत, मतलब रिस्ट्रिक्शन डाइट है इतना, फिर भी लोग बहुत फॉलो कर रहे हैं, इंटरमीटेंट करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं, सो सूरती लाइफस्टाइल को देख के आपको क्या लगता है कि कैसा है ये? सी सूरती लाइफस्टाइल हो या कोई भी लाइफस्टाइल हो, लोगों को इधर उधर की बातें सुन के कोई एक पर्टिकुलर डाइट पे नहीं जाना चाहिए, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सिंपल सा मोबाइल 30,000, 40,000, 50,000 का मोबाइल भी अगर खरीदना चाहे तो हम बहुत सारा रिसर्च करते हैं उसके पीछे, ठीक है? हम 10 बार सोचते हैं, 10 जने को पूछते हैं अलग अलग कि ये करना चाहिए, लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, तो अपना ये तो बॉडी है, इसकी कोई कीमत भी नहीं है, कोई वैल्यू भी नहीं है, तो उसके लिए तो अपने को ज्यादा रिसर्च करना चाहिए और फिर उसके हिसाब से डाइट चूज करना चाहिए। या ऑब्वियसली, क्योंकि मैंने बहुत लोगों को देखा है सर के लोगों का सुन सुन के डाइट कर रहे हैं और इतना क्रश डाइट करते हैं, फिर वो लोग वापिस ब्लेम करते हैं जिम वालों पे ही कि सर मैंने डाइट किया था लेकिन क्रश डाइट किया, फिर सडनली शूटअप होता है और वो लोग बोलते हैं कि भाई जिम में जाने से डाइट तो करते हैं तो फिर बाद में शूटअप हो जाता है बंद करने से। बिल्कुल, सी ये सब चीज मैं वही बोल रहा हूँ, अगर उनको खुद को नॉलेज नहीं है तो वो कभी कर नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको सबको पता होना चाहिए कि उसके जो भी एक पर्टिकुलर डाइट है उसके एडवांटेजेस क्या है और डिसएडवांटेजेस क्या है, फिर ही आप कर पाओगे, और वो क्यों करना चाहिए। ऑब्वियसली, और सर थोड़ा ये भी पूछना चाहूंगा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में आप बता देते तो, जैसे कि कीटो के बारे में। तो देखो उसके पहले मैं बोलूंगा कि हम पहले जो सबसे पॉपुलर अभी डाइट चल रहा है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो है इंटरमिटेंट फास्टिंग। मतलब टू बी आई एम वेरी सॉरी टू से बट बहुत सारे डायटिशियंस भी इंटरमिटेंट फास्टिंग दे देते हैं, दे आर नॉट न्यूट्रिशनिस्ट, दे आर डायटिशियंस, ठीक है? सो उनका थोड़ा वो एक्चुअली मेजरमेंट के हिसाब से नहीं करते हैं, ना ही BMI देखते हैं, ना ही BMR देखते हैं, वैसे ही करके दे देते हैं। सो एंड इट इज ऑल क्वांटिफाइड, कोई भी डाइट आप लो वो मेजरेबल क्वांटिटीज अगर आप नहीं करोगे, आप कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे तो आपको फायदा नहीं देगा। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली क्या है, वो एक ऐसी साइकिल है, सो इट्स अ साइकिल बिटवीन वॉलंटरी फास्टिंग एंड नॉन फास्टिंग फॉर अ पर्टिक्यूलर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है? सो एक पार्ट में आप फास्टिंग करते हो इच्छा से कि इतने इतने घंटे में फास्टिंग करूंगा या करूंगी, और एक टाइम में मैं खाना खाऊंगी या खाना खाऊंगा, ठीक है? एंड और उसको मैं दूसरा एक वर्ड भी दूंगा कि इट इज बेसिकली इंटरमिटेंट एनर्जी रेस्ट्रिक्शन, आप एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, ठीक है?
देर आर 3-4 टाइप्स ऑफ इंटरमीडियंट फास्टिंग, बट सबसे फेमस तीन टाइप के इंटरमीडियंट फास्टिंग है. बेसिकली वन इज ऑल्टरनेट डे फास्टिंग, सो एक डे फास्ट, एक डे खाना खाते हैं वैसा करते हैं. वन इज पीरियोडिक फास्टिंग, सो वीक में 2 बार फास्टिंग कर लिया, वीक में 1 बार फास्टिंग कर लिया वैसे होता है. वीक में 1 बार सिर्फ पूरा फास्टिंग, इवन वाटर, पूरा पानी भी छोड़ देना पड़ता है वैसा होता है. एंड बोल इज डेली टाइम रिस्ट्रिक्शन, जो हम जनरली 16:8 का रेशियो पकड़ के चलते हैं, 16 घंटा फास्टिंग और 8 घंटा ईटिंग विंडो. सो ये मोटा मोटी 3-4 टाइप्स के इंटरमीडियंट फास्टिंग के टाइप्स है. अगर बेनिफिट्स की बात करने जाए तो इंटरमीडियंट फास्टिंग का मेजर बेनिफिट तो 5-6 काफी बेनिफिट्स है, बट अगर डिस्कस करें तो फर्स्ट बेनिफिट मेरे दिमाग में आता है, विच इज फैट बर्निंग. ठीक है, सो व्हाई फैट बर्निंग? एक, इंटरमीडियंट फास्टिंग के 2 पहलू है. एक के आप मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज करते हैं. ठीक है, तो एक तो आपका वहां मेटाबॉलिज्म आपका हाई जाता है. दूसरा, आप खाना कम खाते हो, क्वांटिफायबल क्वांटिटीज में खाते हो, तो वैसे भी आपका कार्ब कम हो गया, खाना कम हो गया, तो दोनों साइड से आपका फैट लॉस होने के फुल चांसेस है. देखिए, इसमें बहुत डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, पर ये बेसिक आउटलाइंस है. ठीक है, उसका सेकेंड मेजर एडवांटेज है इंक्रीज ऑफ एनर्जी. इंटरमिटेंट फास्टिंग का मेजर कारण है आपकी एनर्जी इंक्रीज करता है. ये कैसे करता है? एक कि नॉर्मली हम जब खाते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स या नॉर्मल खाते हैं, वो 4-5 बार दिन में खाते हैं, 6 बार खाते हैं, तो पूरा टाइम आपका जो गट है या आपका स्टमक है या इंटेस्टिनल सिस्टम्स है, डाइजेस्ट सिस्टम्स है, पूरा टाइम ग्लूकोज को ब्रेक कर करके, कार्ब्स को ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करते रहते हैं. तो दे आर ऑक्यूपाइड द फुल डे. यहां पे क्या होता है कि आप 2 बार खाते हो, तो आपका मेटाबॉलिक रेट और आपकी एनर्जी बहुत अलग तरह से यूज होती है. तो यहां पे आपकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, पर यहां पे मैं वापस बोलना चाहूंगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग, कोई बॉडी बिल्डर इंटरमिटेंट फास्टिंग पे बॉडी बिल्डर नहीं हो सकता. वो कोई, ठीक है, तो ये बहुत क्लियर नहीं कर सकता कोई, बट एनर्जी इंक्रीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. सो इट इज समथिंग लाइक दैट. तीसरा बेनिफिट मैं बोलना चाहूंगा, इट इज इम्प्रूव्ड कॉन्सेंट्रेशन. IF का मेजर जो मुझे अच्छा लगता है, कॉन्सेंट्रेशन इंप्रूव करता है. ये क्यों होता है? एक सबसे इंपॉर्टेंट, अपना ब्रेन और अपना डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे अच्छा काम करता है जब हम भूखे रहते हैं, और ये प्रूव्ड हो चुका है, और इंटरमिटेंट फास्टिंग में ये है. तो यहां से अपना ऑटोमेटिकली काम करने का, और ब्रेन सेल्स अपने बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्टिवेट हो जाते हैं. दूसरा मेजर इंपॉर्टेंट कारण है कि ब्रेन बेसिकली ग्लूकोज पे काम करती है, उसकी एनर्जी ग्लूकोज से मिलती है. ब्रेन का एक स्मॉल पोर्शन है सिर्फ ग्लूकोज पे चलता है, और ज्यादातर पोर्शन कीटोन्स पे चल सकता है, अगर 4-5 दिन तक आप कीटोजेनिक डाइट या ऐसे IF फॉलो करो. तो जब ये पार्ट आ जाता है, कीटोन्स पे भी काम करता है ब्रेन, तो ऑटोमेटिकली कॉन्सेंट्रेशन आपका बहुत इंप्रूव, ब्रेन बहुत ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है. दिस इज वन एडवांटेज. अदर एडवांटेज मैं बोलूंगा कि जो मेजर बेनिफिट के लिए करते हैं लोग IF, वो है लो ब्लड शुगर लेवल्स और डिक्रीज कोलेस्ट्रॉल. सो अगर आप डेफिनेटली कार्ब लोडिंग कम करोगे, कार्ब अच्छे खाओगे, अच्छी फैट खाओगे, तो इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगा, और इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी इंप्रूव हो जाएगी. तो ओवरऑल आपका जो है ब्लड शुगर लेवल्स इंप्रूव हो जाएंगे. दैट इज वन मेजर एडवांटेज. और हमको पता ही है कि जो बेनिफिट्स है ग्लूकोज को कंट्रोल करने के, वो बेनिफिट्स हमको पता है कि वो बेसिकली एंटी डायबिटिक इफेक्ट भी दे सकता है. सो दैट इज हाउ IF वर्क्स. दूसरा जो मैंने बोला फैट बर्निंग, तो वो वेट लॉस में भी काम करता है अगर कंसिस्टेंटली आप फॉलो करो तो. अगर कंसिस्टेंटली नहीं कर पाओगे तो आप वेट लॉस नहीं कर पाओगे. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट उसका फायदा है कि इट इंक्रीजेस रेजिस्टेंस टू स्ट्रेस. नाउ व्हाट इज दिस स्ट्रेस? जब भी आप अल्टरनेट डे फास्टिंग करते हो, और ये प्रूव्ड हो चुका है, रिसर्च हो चुकी है एनिमल्स पे और ह्यूमन पे भी, साइंटिस्ट ने किया है और ये प्रूव हो चुका है, इट इज डॉक्यूमेंटेड. तो एनर्जी मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाती है, बहुत इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव होता है और बढ़ भी जाती है. तो इससे स्ट्रेस जो हम बॉडी को स्ट्रेस मिलता है बहुत जगह पे, वो रिलीज हो जाती है और अपना बॉडी स्ट्रेस लेने के आदि हो जाता है.
दैट इज हाउ इट इज इम्प्रूविंग इन स्ट्रेस मैनेजमेंट. दूसरा IF जो डॉक्टर्स जनरली सजेस्ट करते हैं वो है इट हेल्प्स इन सप्रेसिंग इन्फ्लेमेशन. जो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स होती है, जो मेजर इलनेसेस होती है, क्रॉनिक डिजीजेस होती है, वो इन्फ्लेमेशन के कारण होती है. और ये इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ इंसुलिन रेजिस्टेंस. ठीक है, और हम अगर इंसुलिन सेंसिटिविटी इंप्रूव करते हैं IF की वजह से, तो ये सप्रेशन इन्फ्लेमेशन का आराम से हो सकता है और क्रोनिक डिजीजेस भी इसमें सॉल्व हो सकती है. तो डॉक्टर्स इसको बहुत सजेस्ट करते हैं IF, सबको नहीं, सिचुएशंस और पेशेंट्स को देख के. और दूसरा और लास्ट आई थिंक मेरे ख्याल में जो दिमाग में आ रहा है वो रेस्टिंग हार्ट रेट को इम्प्रूव करता है. जो हम क्लाइंट्स को बोलते हैं कि आपका रेस्टिंग हार्ट के बोलो, फिर हम उनको फैट बर्निंग जोन में लेके जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी में. तो एक कि इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, और दूसरा स्ट्रेस रेजिस्टेंस. अगर दोनों काम करेगा तो ऑटोमेटिकली रेस्टिंग हार्ट रेट इंप्रूव हो जाएगा, एंड दैट इज हाउ इट वर्क्स ऑन द हार्ट. तो ये मोटा मोटी मेजर एडवांटेजेस ऑफ इंटरमिटेंट फास्टिंग था. अगर साइड इफेक्ट्स की बात करें तो फर्स्ट साइड इफेक्ट इज लो एनर्जी. इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली आपको लो एनर्जी देगा क्योंकि आप कार्ब कम खा रहे हो, और जो हम जनरली बोलते हैं कि यू गेट अनप्रोडक्टिव. आपको इतना फटाक से काम करना स्टार्टिंग में आपको अच्छा नहीं लगता है, दो ये थोड़े ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इट कैन बी डेवलप्ड और आप उसके यूज टू हो सकते हो और काम आगे बढ़ेगा ना, पर स्टार्टिंग में तो ये आपको झेलना पड़ेगा. ब्लैकआउट होने के भी चांसेस. दूसरा इम्पोर्टेंट ब्लैकआउट होने के भी चांसेस रहेंगे. यस यस यस, ट्रू. दूसरा एक गैर फायदा इसका ये है कि आप बहुत ज्यादा फिस्टिंग करते हो, आपको स्नैकिंग करने का बहुत मन करता है जब आप फास्टिंग पे होते हो, ये खा लू वो खा लू, स्पेशली शुगरी आइटम्स. तो स्टार्टिंग में ये कंट्रोल करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है. जो मैं जनरली समझता हूं IF का मेजर ड्रॉबैक है वो है डाइजेस्टिव इश्यूज. एक तो आप एक साथ आपको बहुत सारा खाना खाना पड़ता है, ठीक है. उससे क्या होता है कि एक तो डाइजेशन आप जब भी करते हो आपको एसिडिक रिएक्शन बॉडी में क्रिएट होते हैं. एसिड क्रिएट करता है वो डाइजेशन में हेल्प करता है. तो इसका मतलब कि आप जब नहीं खाना खाओगे आपको हार्ट बर्न होगा, जो एसिड रिफ्लेक्स आपको मिलता है, ठीक है. तो ये सब आपको करता है, आपको बहुत ज्यादा बर्पिंग आते हैं, तो ये सब एक डाइजेस्टिव इश्यूज है. और ज्यादातर कॉन्स्टिपेशन के प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, ब्लोटिंग हो सकता है, तो ये डाइजेस्टिव इश्यूज एक आ सकते हैं क्योंकि आप फाइबर इंटेक आपका कम होता है जनरली, क्योंकि आपको बहुत सारा खाना एक टाइम पे खाना होता है, फाइबर्स आप छोड़ देते हो. तो दैट इज मेजर प्रॉब्लम. एक मेजर IF का प्रॉब्लम है जो मैं यहां पे बोलना चाहूंगा कि IF का मेजर प्रॉब्लम होता है विमेन पे, सब पे नहीं बट ज्यादातर विमेन पे IF बेनिफिट नहीं देता, वो गैर फायदा देता है. वो क्यों? बेसिकली मेन और विमेन का बॉडी अलग अलग होता है, ठीक है. और कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे विमेन का बॉडी थोड़ा रिएक्ट अलग से करता है. कभी भी बॉडी विमेन का फास्टिंग करते हैं, लॉन्ग फास्टिंग करते हैं, तो उनका रिएक्शन अलग आता है. तो और एक छोटा सा ब्रेन का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस, ठीक है. थोड़ा साइंटिफिक बोलूंगा, जरूरी है बोलना. हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब हो जाता है जब ये कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे विमेन होती है तब. और इससे क्या होता है कि ये बेसिकली डिस्टर्ब करता है एक हार्मोन जो इसको हम बोलते हैं GnRH, ठीक है. GnRH हम जो बोलते हैं इसे गोनाट्रोपिन हार्मोन जो LHFSH रिलीज करता है, रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स, ठीक है. और जब ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स सॉरी सेल्स आपके ओवरी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, इरेग्युलर पीरियड्स, इनफर्टिलिटी, बोन हेल्थ उनकी बहुत वीक हो जाती है, एंड अदर साइड इफेक्ट्स. सो मैं इतना बोलना चाहूंगा कि विमेन को, फीमेल्स को IF बहुत सोच समझ के करना चाहिए और इनको थोड़ा मॉडिफाइड अप्रोच पे लेना चाहिए, एकदम कड़क अप्रोच पे नहीं, थोड़ा मॉडिफाइड अप्रोच करके करो तो चल सकता है, बट इट विल नॉट सूट एवरीवन. ये सबको नहीं पता है और ज्यादातर फीमेल्स IF फॉलो कर देती हैं गूगल पे सर्च करके, तो ये प्रॉब्लम है. तो इनको कंसल्ट करना चाहिए एक अच्छे न्यूट्रिशनिस्ट को, ठीक है.
लास्ट एक गैर फायदा आईएफ का है, वो है एंजाइटी एंड स्ट्रेस। ठीक है, हमने बाकी सब डिटेल्स हमने देख ली कि इंटरमिटेंट फास्टिंग बेसिकली ग्लूकोज आपका कम करता है, ये वो सब ठीक है, फूड डिप्राइव, पर जब भी आप खाना कम खाते हो, खाना छोड़ देते हो थोड़े घंटे के लिए भी, तो आपका एक हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, कॉर्टिसोल, जी वो रिलीज होता है, तो इससे स्ट्रेस और एंजाइटी तो बढ़ेगी, पर ये धीरे धीरे कम भी हो जाती है, बट ये एक मेजर एक डिसएडवांटेज है आईएफ का। तो ये बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग के बेनिफिट्स और डिसएडवांटेजेस है। तो सर ये तो थे हाँ, एडवांटेज। मेजर आईएफ, सॉरी मैं एक बार यहां बोला कि आईएफ बेसिकली अगर आपको अच्छी तरह करना हो तो आपको अच्छा पानी पीना चाहिए, बहुत जरूरी जरूरी है, है क्योंकि यहाँ पे डिहाइड्रेशन आपको होने के फुल चांसेस है जब आप फास्टिंग पे हो, क्योंकि आप भूल जाते हो आप खाना, सी इट इज वेरी सिंपल, आप खाना नहीं खाते आप पानी पीना भी भूल पानी। जाओगे, इट इज हाँ साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल। आपको पानी अच्छा पीना चाहिए। सो तो कोई भी डाइट में पानी पीना चाहिए, बिकॉज ऑफ बॉडी जितनी हाइड्रेट रहे उतना अच्छा है। सो ये तो थे सर आईएफ वो सर आपको पता है। सर ये तो थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज, पर मैं ये पूछना चाहूंगा कि सर ये अगर आईएफ करते भी है या वुमन करे या मेन करे, ये कितने पीरियड के लिए करना चाहिए, सर कितने मंथ के लिए? सी एवरीथिंग हैज टू बी इन साइकिल्स। अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है तो आईएफ करो, अगर आपका कोई पर्टिकुलर गोल है तो केटोजेनिक डाइट करो। अगर वो गोल मीट हो रहा है तो यू कैन डू इट रेगुलरली, अगर वो गोल मीट नहीं हो रहा है तो प्लीज लिव इट। आपका बॉडी खुद सिग्नल देगा कि अभी आपको सूट नहीं हो रहा है या अभी आपको बेनिफिट नहीं मिल रहे हैं, और आईएफ और केटोजेनिक एक गोल के हिसाब से ही किया जाता है, वैसे कोई नहीं करता है। फैट लॉस बोलो या स्ट्रेस मैनेजमेंट बोलो या कोई बेसिकली इन्फ्लेमेशन बॉडी में हो उसको रिलीज करने, तो इसके लिए गोल ओरिएंटेड ही होना चाहिए। क्योंकि केटोजेनिक डाइट में तो बहुत रिस्ट्रिक्शन है सर, थोड़ा सा भी मील ऊपर चला गया तो आप कीटोसिस से बाहर हो जाते हो। सी केटोसिस इज डिफरेंट, बेसिकली बेसिकली अपना बॉडी काम करता है ग्लूकोज या पे, ठीक है, जो कार्ब्स को ब्रेक करके है ग्लूकोज ग्लूकोज पे पे काम काम करते करता हैं। है, बट यहाँ पे जब हम ग्लूकोज बर्न कर देते हैं तो बेसिकली जो अपना स्टोर्ड फैट होता है उसको हम एसिडिक रिएक्शन में किटोन्स में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज हाउ इट इज कॉल्ड केटोजेनिक डाइट। ठीक है, सो हम बहुत आराम से और फ्रेंडली मैटर में मैनर में बोले तो कीटो डाइट बोलते हैं सब हाँ लोग। ठीक है, सो एंड उसका मेजर एक पॉइंट बोलूंगा कि बेसिकली कीटोन बॉडीज कैन बी यूटिलाइज्ड एज अ फ्यूल फॉर हार्ट, ब्रेन, मसल, सब यूज कर सकते हैं, बट लीवर के लिए नहीं। ठीक है, सो लाइक वो क्यों, बिकॉज ये बेसिकली सोर्स है लीवर का ही, कीटोन्स पैदा होते हैं लीवर में ही होते हैं, बट ये बेसिकली इसके प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोजेनोसिस। ठीक है, तो और ग्लूकोजेनेसिस के हिसाब से तीन टाइप के अलग अलग कीटोन्स डेवलप होते हैं, देर आर थ्री कीटोस बेसिकली ओके कीटोन्स इन द बॉडी विच आर डेवलप्ड बिकॉज ऑफ ग्लूकोजेनोसिस इज, एक होता है एसिटो एसिटेट, बीटा हाइड्रोक्से ब्यूटायरेट, और दूसरा तीसरा होता है एसीटोन। ठीक है, और ये सब कीटोन्स जो डेवलप होते हैं ये एनर्जी देंगे, पर देन एनर्जी किसको देंगे, ब्रेन को, हार्ट को, मसल्स को, बट लीवर को नहीं, क्योंकि इसमें एंजाइम्स नहीं होते हैं। ठीक है, एंड लीवर विल ऑलवेज नीड एंजाइम्स के वो अच्छी तरह उसको यूज कर पाए। ठीक है, सो इट इज समथिंग लाइक दैट, बट जो और दूसरा, जब भी ये कीटोन्स रिलीज होते हैं, जो हम बोलते हैं कि प्रोटीन सिंथेसाइज जब होता है, और तो एक एटीपी यूज रिलीज होता है, या कभी भी फैट ब्रेक डाउन होके फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है तो दो एटीपी यूज होते हैं। एटीपी मतलब एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो एनर्जी करेंसी हम बोलते हैं, बट जब कीटोन्स होते हैं तो देर आर 22 एटीपी विच आर रिलीज, और दो जीटीपी यूज होते हैं। सो देर इज वन मोर टर्म कॉल्ड जीटीपी, गोनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। सो इतना सारा रिलीज होता है तो इसीलिए मेटाबॉलिक रेट बहुत हाई जाता है, एंड बेसिक मैं बोलूं कि दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड हाई प्रोटीन हाई फैट एंड लो कार्ब और नो कार्ब डाइट, क्योंकि इतनी सारे रिलीज एनर्जी रिलीज
करनी होती है। से मोटा मोटी व्हाट इज केटोसिस इज ऑल अबाउट। अगर इसके एडवांटेज के बारे में बात करें तो वेट लॉस, वो हम सबको पता ही है व्हाई वेट लॉस कैसे हो सकता है, कार्ब इंटेक कम कर देते हैं। ये बेसिकली ऐसे लोगों के लिए अच्छा है जो ज्यादातर एक्सरसाइज नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं ड्यू टू सेवरल रीजंस, उनके लिए अच्छा आता है। केटोजेनिक डाइट बेसिकली बहुत सारे कैंसर ट्रीटमेंट्स में काम करता है, स्पेशली फॉर वुमेन ओवेरियन कैंसर में ये काम करता है। उसमें डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं आप केटोसिस पे जाओ। इम्प्रूव्ड इट ऑलवेज इम्प्रूव्स कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर लेवल्स और ब्लड शुगर लेवल्स, वो हमको पता है बिकॉज डेफिनेटली कार्ब लोडिंग बिल्कुल बंद हो जाता है, तो ये सब आपका सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम। दूसरा, बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन ये आपको आपकी एपेटाइट को कम कर देगा, जो हम बोलते हैं सेटाइटी, आपको ज्यादा भूख नहीं लगेगी बार बार और आपको ये खा लूं वो खा लूं नहीं लगेगा, बिकॉज दैट इज बिकॉज ऑफ हाई प्रोटीन। ठीक है, आपके ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत कम कर देगा केटोजेनिक डाइट, और ट्राइग्लिसराइड एक मेजर प्रॉब्लम है जो हार्ट प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। ठीक है, सो दैट इज वन ऑफ द मेजर रीजंस के एडवांटेजेस ऑफ केटोजेनिक। ट्राइग्लिसराइड को कम करने केटोसिस इमीजिएटली डाल देते हैं लोग। ब्रेन डिसऑर्डर्स के लिए केटोजेनिक डाइट बहुत यूज होता है, और बेसिकली मैं काउंसलिंग करता था उसके, उनके बच्चों को भी एपिलेप्सी हुआ था उनके बेटे को, तो डॉक्टर्स एपिलेप्सी में केटोसिस यूज करते हैं क्योंकि मैंने जो रीजन पहले बताया कि ब्रेन जब 4-5 दिन के बाद कीटोन्स पे काम करना शुरू करता है तो वो आपके ब्रेन सेल्स बहुत ज्यादा एक्टिवेट करता है, और एपिलेप्सी में ये काम करता है। और अभी रिसर्च बहुत ज्यादा चल रही है अल्जाइमर और पार्किंसन पे काम करने के लिए केटोसिस का, तो दैट इज इट इज वेरी वेरी गुड। मैं वापस बोल रहा हूँ कि वो गोल ओरिएंटेड अगर हो तो आप अच्छी तरह ये डाइटिस अलग अलग डाइट यूज कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर पाते। डिसएडवांटेजेस, हाई सैचुरेटेड फैट, हाई फैट करके हम इतना सारा फैट खा लेते हैं जो अच्छा नहीं है बॉडी के लिए। वापिस सेम एज IF इंटरमीडियंट फास्टिंग, आप फाइबर्स कम खाते हो तो वो इनडाइजेशन, डायरिया, बर्पिंग इश्यूज, एसिडिटी, ये सब आपको क्रिएट कर सकता है। और कार्ब डिप्राइवेशन अच्छा नहीं है बॉडी के लिए, वी ऑल नो। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि केटोसिस बहुत लंबा टाइम तक नहीं करना चाहिए, और इसको मैं बोलता हूं, इसको बोलते हैं केटो फ्लू बोलते हैं। आपको सिकनिंग फील होगा, आपको बुखार भी आएगा, आपको एकदम एनर्जी आपकी पूरी ड्रॉप हो जाएगी, आपको काम करना अच्छा नहीं लगेगा, तो ये सब डिसएडवांटेजेस है। आपके मसल कम हो जाएंगे फॉर श्योर, ओके, और आपकी मेटाबॉलिज्म भी स्लो होगी। हम बोलते हैं कि केटोसिस से मेटाबॉलिक रेट हाई जाता है, पर मैं बोलता हूं कि कम भी कर सकता है। जब भी आप वेट लॉस करते हो, ज्यादातर हो सकता है कि इसमें आप मसल लॉस कर रहे हो, ठीक है, और आप जब वापिस केटोसिस पे आप रिलीज करने का शुरू करो तो आप जो नॉर्मल वेट पे आ रहे हो तब चांसेस 100% है कि आपके वो जो वेट रिकवर हो रहा है उसमें मसल नहीं हो रहा है, सिर्फ फैटी हो रही है। और वी ऑल नो के हाई मेटाबॉलिक रेट के लिए मसल होना ज्यादा जरूरी है, ठीक है, फैट से ज्यादा नहीं होता है, तो दैट इज हाउ योर मेटाबॉलिक रेट गोज डाउन। सो हाँ, जो एथलीट्स हैं स्पेशली उनको भी केटोसिस पे बहुत टाइम रखा जाता है, बट लंबे टाइम के लिए रखो तो उनका पीक परफॉर्मेंस अफेक्ट करता है, क्योंकि बेसिकली बॉडी में एसिड्स होता है और एसिड्स पीक परफॉर्मेंस पे 100% अफेक्ट करेगा, वो आपको परफॉर्म नहीं करने देगा। आपका जो टॉप परफॉर्मेंस है, बेस्ट परफॉर्मेंस आपको कभी नहीं देगा, उसके लिए आपको कार्ब्स चाहिए ही चाहिए। और मेजर डिसएडवांटेज ऑफ केटोसिस में बोलूंगा, इसको हम बोलते हैं केटो एसिडोसिस। ये सबसे मेजर डिसएडवांटेज है, जो मैंने पहले बताया कि बेसिकली एसिड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है, जब हम कीटोन्स को ज्यादातर रिलीज करते हैं ये सब, तो बेसिकली जब एक्सट्रीम हाई लेवल्स ऑफ ग्लूकोस और कीटोन्स मिक्स होते हैं तो बहुत सीवियर एसिड फॉर्म होता है, और ये एसिड की वजह से आपके लीवर, किडनीज, ब्रेन सब पे असर करता है, दैट इज नॉट गुड। तो एक लंबे टाइम तक आपको कीटोसिस पे नहीं रहना चाहिए, ये मेरा मानना है, बाकी सब बोल सकते हैं कि आप रहो नहीं रहो। तो दूसरा मेजर डिसएडवांटेज लीवर के लिए है, जो अभी डॉक्टर्स बोलते हैं कि नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर बोलते हैं,
ओके वापस बिकॉज ऑफ एसिडोसिस आपको लीवर को ये डेंजर है कि नॉन अल्कोहलिक फैटी क्योंकि आप बहुत सारा फूड एक साथ खाते हो और बहुत सारा फैट खाते हो तो ये आपको होने के फुल चांसेस है. सो दैट इज हाउ आई ए फॉर कीटोसिस इज ऑल अबाउट. सो इतना तो पता चल गया कि सर कीटोसिस में रह के कोई मसल गेन तो नहीं कर सकता और कोई भी बॉडी बिल्डर बॉडी बिल्डिंग नहीं कर सकता. Then secondly, नहीं एनी एथलीट इवन ऑल एथलीट्स दे कैन बी. हाँ पर वो सी बेसिकली केटोसिस क्यों करते थे लोग. अगर कोई पिक्चर का अच्छा कोई सीन है जिसमें उनको फिजिक दिखानी है तो वो 5-6 दिन के लिए करते हैं. ठीक है अगर मॉडलिंग शो है तो उसके 5-6 दिन पहले करते हैं. बॉडी बिल्डर्स कॉम्पिटिशन से 5-6 दिन पहले करते हैं समथिंग लाइक दैट पूरा वॉटर पानी निकालने के लिए. पहले यही होता था पर अभी उसके दूसरे फायदे भी है मेडिकली तो उसके हिसाब से सब केटोसिस केटोसिस करते हैं. पर अभी कॉमन जनरली फैट लॉस के लिए और वेट लॉस के लिए केटोसिस में जाना चाहते हैं लोग क्योंकि अभी सभी को वेट ही कम करना है. तो पर हाँ एक ये भी है सर कि आपने जैसे बोला कि कीटोजेनिक डाइट अपना कैंसर पेशेंट के लिए अच्छा है मतलब आप किसी के अंडर में रह के करो तो वो ऑब्वियसली वो कैंसर के लिए जो ओवरी कैंसर होता है उसको बहुत हद तक ये क्योर करेगा हेल्प करेगा क्योंकि वो कार्ब लोड पे से ही हट जाएगा और उसके वायरस को ही मार देगा कैंसर वायरस को ही मार देगा कीटोन यस बिकॉज इंसुलिन रेजिस्टेंस हट जाएगा. सो ये तो एक सबसे अच्छा बेनिफिट है कीटोस का कि आज की लाइफस्टाइल को लेके कैंसर ही सबसे ज्यादा बढ़ रहा है. यस तो ये एक अच्छा एडवांटेज है उसका. सो सेकेंड सर ये पूछना चाहूंगा कि वे के रिलेटेड प्रोटीन को रिलेटेड जैसे भी अपनी आज की इंडस्ट्री में तो फेक प्रोटीन बहुत ज्यादा चल रहे अब उसमें भी वे में भी कैसे हर कोई क्लाइंट हर तरीके से नहीं लेता. जैसे आप किसी को वेट लॉस को हो तो वो आइसोलेट ले सकता है मसल गेन पे तो कॉन्सेंट्रेट लो. अब 4 टाइप ऑफ प्रोटीन आता है पर अब हर किसी को कोई नॉलेज नहीं है तो सर आप ही थोड़ा बता दो. सी बेसिकली मैं इतना पहले बोलूंगा कि प्रोटीन सिर्फ प्रोटीन के लिए नहीं यूज करना चाहिए उसके अदर बायोलॉजिकल इफेक्ट्स बहुत सारी है जो हमको नहीं पता है. तो प्रोटीन इज वेरी वेरी गुड फर्स्ट मसल स्ट्रेंथ बोलो या गेनिंग मसल बोलो बॉडी फैट लूज करने सब में ये काम आता है. सो ओवरऑल मिल्क से बेसिकली बनता है ये प्रोटीन जो केसिन और वे होता है. ठीक है जो वे होता है उसमें 9 अमीनो एसिड्स लो लैक्टोस और ये कंप्लीट प्रोटीन है बेसिकली. ठीक है और साइंटिफिक अगर उसका कंपोजिशन देखने जाए तो इट इज अ मिक्स ऑफ बीटा लैक्टोग्लोबुलिन अल्फा लैक्टो एल्ब्यूमिन बोविन सेरम एल्ब्यूमिन और इम्यूनोग्लोबुलिन. तो इसीलिए इम्यूनिटी भी बहुत अच्छा काम करता है हाई प्रोटीन डाइट. सो दैट इज वाई इट इज वेरी वेरी गुड एंड इट इज अ कंप्लीट प्रोटीन. और काफी लोगों को लैक्टोस का प्रॉब्लम होता है. सो अगर मैं बोलूंगा कि जो नॉर्मल एक दही की कटोरी खा सकता है और अगर इतना भी लैक्टोस वो झेल सकते हैं तो वो वे प्रोटीन तो ले ही सकते हैं. इट इज वेरी सिंपल बट लोग डरते हैं करने के लिए बट ये एक ट्रुथ है. और जो तीन टाइप के मैं मेजर तीन टाइप के वे बोलूंगा सो कॉन्सेंट्रेट है जिसमें लो फैट लो कार्ब और प्रोटीन उसका पोर्शन डिपेंड्स ऑन कंपनीज टू कंपनीज 90% से कम रहता है उसमें 30-90% प्रोटीन रहता है. वे प्रोटीन प्रोटीन आइसोलेट सो बेसिकली नो फैट नो लैक्टोज उसमें लैक्टोज भी नहीं रहता है और प्रोटीन रेशियो होता है 90% प्लस. और तीसरा मैं बोलूंगा वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट तो इट इज बेसिकली प्री डाइजेस्टेड एंड इट ऑलवेज अंडरगोज पार्शियल हाइड्रोलाइसिस. सो हाइड्रोलाइसिस इज अ प्रोसेस टू एब्जॉर्ब प्रोटीन तो ऑलरेडी वो प्रोसेस हो चुका है इसलिए बोलते हैं प्री डाइजेस्टेड प्रोटीन. ठीक है सो ये तीन टाइप के अलग अलग प्रोटीन्स है. सी आपने जो पहले बताया कि लैक्टोज का प्रॉब्लम जिसको हो तो इन्फेंट्स प्रॉब्लम अगर इन्फेंट्स को आप कोई भी प्रोडक्ट आप ले लो जो बच्चों के प्रोडक्ट होते हैं उसमें वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट यूज होता है क्योंकि वो बेसिकली एलर्जिन रिड्यूस कर देती है. तो जिसको भी इसका प्रॉब्लम हो लैक्टोज का उनको लेना चाहिए वे प्रोटीन हाइड्रोसलेट आइसोलेट नहीं इट इज बेटर. मतलब अगर आप और बाकी एडवांटेज तो रेजिस्टेंस ट्रेनिंग अगर साथ में करो तो आपको मसल गेन में काम करता ही करता है. मतलब ऐसे कोई डिसएडवांटेज तो है ही नहीं वे प्रोटीन को.
ना ना, इट इज नॉट अ डिसएडवांटेज एट ऑल, नो. सी इट इज लाइक, सी मैं यहाँ पे क्या बोलूंगा कि आपके घर में कुत्ता है, आपने पाला है, वो कुत्ता सबको काट रहा है, ठीक है. वो कुत्ते का फॉल्ट नहीं है, वो मालिक का फॉल्ट है. आप कुत्ते को कैसी तरह यूज कर रहे हो, कैसे उसको टेम कर रहे हो, उस पे है. तो आप कौन सा प्रोटीन ले रहे हो वो आपका फॉल्ट है. आपको रिसर्च करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए न्यूट्रिशनिस्ट को, ठीक है. पर काफी सारे डॉक्टर को अगर देखा जाए तो सर उन लोग का यही प्रॉब्लम होता है कि वे नहीं लेना चाहिए, पाउडर मत लो, ये मत लो, किडनी के प्रॉब्लम्स होंगे, ये सब बहुत लोगों का बोलना चाहिए, बोलना होता है. सी ये स्टेटमेंट जो अभी त्रिविद ने पूछा है मुझे, ये स्टेटमेंट कहां तक ट्रू है. अगर आपका डाइट, आपका डेली रिक्वायरमेंट जो भी है, आपका मैक्रोस का और आपकी माइक्रोस का, अगर डेली रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, तो मैं या आपको कोई भी दुनिया का कोई भी न्यूट्रिशनिस्ट या ट्रेनर आपको सप्लीमेंट्स नहीं देगा. बट आई एम 100% श्योर कि आपका डेली रिक्वायरमेंट मैक्रोस का और माइक्रोस का आप अपने फूड से नहीं निकाल सकते हो, तो आपको सप्लीमेंट्स तो लेना ही पड़ेगा. इट इज बट ऑब्वियस, और इसमें कोई गलत बात नहीं है. क्योंकि मैक्रोज और माइक्रोज अब कहा, मैक्रो न्यूट्रिशन और माइक्रो न्यूट्रिशन अभी किसी भी चीज में हमको मिल ही नहीं रहे हैं. नहीं मिलेगा. अगर अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी बात करो, यू आर एन एथलीट, ठीक है. मैं तो अभी एथलीट नहीं बना हूं. आपका जो पीक परफॉर्मेंस है, आपको फॉर एग्जाम्पल नॉर्मली लोग 0.8 ग्राम्स पर बॉडी वेट प्रोटीन ले सकते हैं, यू विल नीड अराउंड 2 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन. तो वो कहां से होगा, खाने में तो आ ही नहीं ऑब्वियसली सकता सर, है, ऑब्वियसली. पॉसिबल ही नहीं है. मैं बोलता हूँ 0.8 ग्राम भी पूरा नहीं कर सकते लोग खाने या में तो से. नेचुरल बेस पे करो, जैसे चिकन है, एग यू विल हैव टू है. या सप्लीमेंट, यू विल हैव टू सप्लीमेंट इट. सर ये भी होता है काफी ये किसी ने पूछा है मसल गेन के लिए कौन सा प्रोटीन अच्छा है, का. तो इट डिपेंड्स कि आपको अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है नहीं है, बट बेसिकली वे प्रोटीन इज गुड. और सिर्फ वे प्रोटीन से मसल गेन नहीं होगा, आपको ट्रेनिंग वेनिंग और आपका माइक्रोज माइक्रोज सब होगा. ध्यान में रहना पड़ेगा. क्योंकि वेजिटेरियन लोगों का ही ये सब सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है सर, कि उनको अगर बोलो वे प्रोटीन लेना है तो सर नहीं, पाउडर तो मुझे नहीं लेना है. अगर उनको बोलो कि एग खाओ चिकन, सर वो तो मेरे से होगा नहीं क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ. सेकेंड अब तो उसको बोलो कि पनीर खाओ तो बोले सर पनीर कितना खाओ. सी इसमें कैसा है, देखो इसमें ये टॉपिक बहुत डिबेटेबल हाँ टॉपिक है. अगर कोई प्योर जिसको अगर मॉरलिटी ग्राउंड्स पे एनिमल प्रोडक्ट्स नहीं खाने हैं, तो उसमें मैं कुछ बोल नहीं सकता हूँ. और रिलीजियस ग्राउंड पे अगर नहीं खाने तो उसमें कुछ नहीं बोल सकता हूँ. बट इफ यू रियली वॉन्ट टू हैव गुड प्रोटीन, यू हैव टू गो टू एन एनिमल सोर्स. क्योंकि बेसिक अमीनो एसिड जो मैं बोलूँ, सबसे इंपॉर्टेंट है ल्यूसिन, वेज सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में है ही नहीं, तो आपका मसल बिल्डिंग ब्लॉक कहां से बनेगा. या ऑब्वियसली तो वो सिर्फ एनिमल सोर्सेज या वे जी से सर. आएगा. सो सेकेंड बात करना चाहूंगा सर कि बीसी डबल ए एंड प्री वर्कआउट, इनमें भी बहुत लोगों को मिसअंडरस्टैंडिंग है. बीसी डबल एंड प्री यस यस वर्कआउट्स. यस यस ओके सी देखो, अगर बीसी डबल मेरे ए और प्री क्लाइंट, वर्कआउट बहुत हाँ अलग सॉरी चीज. सर काटना चाहूंगा, अगर मेरे ही क्लाइंट्स को ले गए या मेरे ही कोई ट्रेनिंग को ले गए तो उसको मैं अगर बोलता हूँ कि बीसी डबल ए भी लेना है प्री वर्कआउट, सर दोनों का क्या काम है. देखो बीसी डबल ए बेसिकली ब्रांच चेन अमीनो एसिड, फुल फॉर्म सबको पता है, बट उसमें मेजर तीन जो अमीनो एसिड है जो अपनी बॉडी नहीं बनाती है, वो है ल्यूसिन, वेलिन और आइसोल्यूसिन, ठीक है. और ये आप सप्लीमेंट ही करोगे, उसके बिना आपको मिलेगा ही नहीं बॉडी में, ठीक है. इट इज वेरी वेरी असेंशियल. दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज नॉट ओनली अ बिल्डिंग ब्लॉक. हम जो बोलते हैं ब्रांच चेन अमीनो एसिड बिल्डिंग ब्लॉक होता है, इट इज नॉट ओनली अ बिल्डिंग ब्लॉक, बट बॉडी को बहुत सारे जो सिग्नल्स मिलते हैं इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, वो बीसी डबल ए काम करता है. ये सबको नहीं पता है, ठीक है. दैट इज वन. अदर बीसी डबल ए प्रिवेंट करता है मसल का डीजनरेशन. फॉर एग्जाम्पल अभी मैं आपकी लॉकडाउन की बात करूं, तो जो भी लोग अभी रेगुलरली उनका डाइट और बीसी डबल ले रहे हैं, तो मसल डीजनरेशन उनका कम ही रहेगा. बेनिफिट है उनको. ऑलवेज इट इज, यस इट इज एन एडवांटेज, ठीक है. और
दूसरा इट इज सी इट्स एक्स एज अ फ्यूल बेसिकली, जो गाड़ी को चलने के लिए फ्यूल चाहिए वो बीसीडब्ल्यूए से ही मिलेगा, ब्रांच एंड अमीनो एसिड तो चाहिए ही चाहिए, ठीक है। ओवरऑल कोई डिसएडवांटेज नहीं है, बेसिकली लीन मसल गेन करने के लिए अगर वे प्रोटीन और बीसीडब्ल्यूए साथ साथ मिले तो इट इज वेरी वेरी गुड। हाँ, बट अगर आपका प्रोटीन सप्लीमेंट भी अच्छा चल रहा है तो आपको बीसीडब्ल्यूए एसिड इतना लेने की जरूरत नहीं है टू एवरीवन, बट टू एथलीट्स फॉर स्पेसिफिक एक्टिविटीज बीसीडब्ल्यूए रिक्वायर्ड, क्योंकि प्रोटीन में अभी बीसीडब्ल्यूए ऐड होके ही आता है। इफ यू आस्क मी, मैं बीसीडब्ल्यूए नहीं लूंगा, मैं ईसीडब्ल्यूए लूंगा, अरे सॉरी एसेंशियल अमीनो एसिड ईडब्ल्यूएज, ठीक है। तो इट इज समथिंग लाइक दैट, लेकिन उनके बीच में भी उसका क्या डिफरेंट है उनको पता ही नहीं है। जो तीन मेन अमीनो एसिड चाहिए वो तो बीसीडब्ल्यूए में आ ही गए, तो फिर तुम ये क्यों ले रहे हो ऐसा। यस यस यस। अभी प्री वर्कआउट्स की अगर बात करें तो प्री वर्कआउट्स के पहले मैं बोलना चाहूंगा क्रिएटिन के लिए, जनरली बहुत सारे लोग क्रिएटिन यूज करते हैं प्री वर्कआउट में, तो क्रिएटिन एक्सप्लेन करने से पहले मैं बोलूंगा कि क्रिएटिन और क्रिएटिन 9 का डिफरेंस क्या है। ओके ठीक है, जो क्वेश्चन बहुत सारे आपने को पूछते हैं, और थोड़ा क्रिएटिन 9 हाई हो गया तो डॉक्टर सब बंद करा देता है। सो बेसिकली बेसिकली क्रिएटिन 9 इज अ वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ क्रिएटिन बाय मसल, जो क्रिएटिन ब्रेकडाउन होता है मसल में उसका वेस्ट प्रोडक्ट है क्रिएटिन 9। वो थोड़ा बहुत बढ़ेगा पर वो नुकसान नहीं करेगा। वो किसको नुकसान करेगा, जैसे मैं जो मैंने कुत्ते का एग्जांपल दिया कि आप कुत्ते का प्रॉब्लम भी ओनर का प्रॉब्लम है, अगर वो ओनर अगर आपको पहले से लीवर का प्रॉब्लम है किडनी का प्रॉब्लम है तो फिर क्रिएटिन नहीं लेना है आपको, वो बट ऑब्वियस चीज है। बट क्लाइंट्स ये बोलते नहीं है और ट्रेनर्स ये पूछ के काम नहीं करते हैं, ये प्रॉब्लम है, तो दैट इज अ मेजर प्रॉब्लम। और सी इट फैसिलिटेट बेसिकली क्रिएटिन करता क्या है, जो एनर्जी करेंसी एटीपी उसको बनाता है, ठीक है। तो इट इज अ बेसिकली नेचुरल सब्सटेंस, टर्न्स इनटू क्रिएटिन फॉस्फेट, बेसिकली क्रिएटिन फॉस्फेट जो क्रिएट होता है वो बनाता है एटीपी, एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, जो अपनी एनर्जी करेंसी है। और डेफिनेटली हम जब भी एनर्जी रिलीज करते हैं, एनर्जी अपने को चाहिए तो एनर्जी फटाक से अपने को मिल तो जाती है, बट लंबे टाइम तक परफॉर्म करने के लिए उतना एटीपी नहीं बनता है, ठीक है। वो बनती है बट जितना जल्दी हम खत्म कर देते हैं उससे टाइम ज्यादा लगता है उसको बनने में, इसीलिए सप्लीमेंटेशन जरूरी है, ठीक है। इसलिए क्रिएटिन वो काम करता है, मसल स्ट्रेंथ बोलो या लीन मसल गेन बोलो, मसल मास रिकवरी और सॉरी इट हेल्प इन रिकवरी ऑफ मसल मास ऑल्सो क्रिएटिन। और इसमें मेजर पॉइंट है हाइड्रेशन, क्रिएटिन विदाउट हाइड्रेशन विल नॉट गो। क्रिएटिन का मेजर काम है कि पानी आपका मसल को होल्ड कर, पानी मसल आपका पानी होल्ड करता है और वही काम है उसका मसल कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करना, ठीक है। और शायद इसी वजह से लोग बोलते हैं कि क्रिएटिन लेता हूं तो डिहाइड्रेट हो जाता हूं, क्योंकि वाटर होल्ड कर लेता है मसल जितना होता है, कम पीते हैं तो इसलिए ज्यादा पानी पीना रहता है, और ये ज्यादा पानी पीना बाकी सब सप्लीमेंटेशन में भी हेल्प करता है ओवरऑल। सो इट्स अ चेन रिएक्शन, इट्स अ चेन रिएक्शन। सो वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अगर क्रिएटिन लेके धूप में एक्सरसाइज करोगे तो आपको डेफिनेटली डिहाइड्रेशन होने वाला है, समथिंग लाइक दैट। सो देर आर स्मॉल पॉइंट्स बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। मैंने जो पहले बोला कि किडनीज की प्रॉब्लम हो, डायबिटिक्स हो, लीवर इश्यूज हो, उनको नहीं लेना चाहिए। छोटे बच्चे को 18 साल के नीचे के बच्चे को क्रिएटिन नहीं लेना चाहिए, ये बेसिकली अपना जो किडनी फंक्शन है उसको ऑल्टर कर देता है, तो वो नहीं होना चाहिए। तो अबव 18 ही लेना चाहिए और वो भी स्मॉल डोजेज में। प्रेगनेंट लेडीज नो, जो लैक्टेटिंग फीमेल्स है उनको तो कभी नहीं लेना चाहिए, ठीक है। बेसिकली क्रिएटिन आपके ब्रेस्ट मिल्क से पास होके बच्चे को मिल सकता है और उसकी वजह से जो इन्फेंट्स की किडनी फंक्शन होती है उसमें असर कर सकता है, तो डेफिनेटली क्रिएटिन इज नॉट गुड फॉर लैक्टेटिंग मदर्स। और इसके बेनिफिट्स है सर, मसल गेन के लिए अच्छे खासा बेनिफिट्स है इसके। सी बेनिफिट्स, मसल सेल डेफिनेटली आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, क्योंकि मैंने बोला वो बेसिकली एटीपी ही बनाता है,
तो इट इज फॉस्फोक्रिएटिन बेसिकली। तो एटीपी हेल्प करता है, एटीपी डेवलप करता है, और उसके बहुत सारे ज्यादा फंक्शन है मसल गेन और मसल कॉन्ट्रैक्शन के, सब और ज्यादा फंक्शन। उसका मेन फंक्शन है जो मैं बोलूंगा यहाँ पे, रेजिस लेवल ऑफ इंसुलिन ग्रोथ हार्मोन, जो IGF-1 हम बोलते हैं। IGF-1 बनता है क्रिएटिन की वजह से, तो इसलिए क्रिएटिन लेना बहुत जरूरी है। सो सेल वॉल्यूमाइजेशन, जो पानी जो होल्ड करते हैं उससे सेल्स भी बड़े बनते हैं, सेल्स अच्छे बनते हैं। और मेजर क्रिएटिन का एडवांटेज है वो मायोस्टेटिन करके जो चीज है अपने बॉडी में उसको डिक्रीज करती है, और मायोस्टेटिन मसल को बनने नहीं देती और क्रिएटिन इसको डिक्रीज कर देता है। तो इट इज अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। इम्प्रूव्स, ये बेसिकली आप किसी एनी एथलीट उसके परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर देगा क्रिएटिन मसल ग्रोथ के हिसाब से। तो मेजर एडवांटेज में बोलूंगा जो पार्किंसन जिसको जिसको है, जिसको पार्किंसन है, तो पार्किंसन बेसिकली क्या होता है कि डोपामाइन लेवल बहुत कम हो जाते हैं पार्किंसन में, तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में ये सब प्रॉब्लम होते हैं, तो क्रिएटिन इसको हेल्प करता है। सो पार्किंसन जिसको हो उसके डॉक्टर्स ऑलवेज क्रिएटिन लेने में उनको एडवाइस करते हैं। सो गुड, सो दिस इज ऑल अबाउट क्रिएटिन प्री वर्कआउट्स। सी प्री वर्कआउट्स एक ऐसी चीज है, अगर बेसिकली आपका परफॉर्मेंस एनहेंस करती है पर वो हार्ट रेट अप करता है, और बेसिकली आपको प्री वर्कआउट लेना चाहिए एक लिमिटेड क्वांटिटी में। अगर आप ज्यादा लोगे तो विच इज नॉट, मैंने देखा है कि दो दो तीन तीन स्कूप तक लोग लेते हैं जो भी एक्सरसाइज रेगुलरली करते हैं, कि भाई मुझे किक नहीं मिल रही है उनको, जब तक वो इचिंग नहीं आती, इरिटेशन नहीं होता है या इचिंग नहीं होता, तब उनको लगता है कि ये बेकार है। दैट इज रॉन्ग। बेसिकली आप अपने हार्ट को आर्टिफिशियली ज्यादा पंप करने की कोशिश करा रहे हो, विच इज नॉट गुड फॉर योर ब्लड वेसल्स ओवरऑल, और वो ब्लड वेसल आपको थिनिंग कर देगा, स्मॉल कर देगा। तो सी प्री वर्कआउट आप लो, आपको अगर थोड़ा मजा है तब तक आप लो, वो अच्छा है, परफॉर्मेंस आपको एनहेंस करेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा देगा, बट एक लिमिट से ज्यादा लोगे तो वो नुकसान। उसके सब्स्टिट्यूट में सर अपने ब्लैक कॉफी ले ले तो बहुत अच्छा, कैफीन कैफीन ही लेना है तो यस बेसिकली कैफीन ही करना है, तो उसके साथ आप सिट्रुलिन भी लो, ये सब मिक्स करके आप प्री वर्कआउट बनाते हो जो आपको अच्छी किक भी देता है, उसमें क्रिएटिन भी आता है वापस, तो आप क्रिएटिन और कॉफी आप ले सकते हो मिक्स करके। ठीक है, नहीं मिक्स करके नहीं लेना चाहिए। मजाक कर रहा था सर। और ये तो था हमारे BCAA क्रिएटिन और प्री वर्कआउट के बारे में। सो नेक्स्ट पे चलते हैं, पर आई थिंक वी हैव 5 मिनट्स टू गो। या त्रिवेद, हाउ मच टाइम डू वी हैव सर? 45 मिनट्स, एक घंटे के बाद ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगा सेशन का। हाँ ठीक है, ओके, तो वापस कंटिन्यू करें okay, फिर बोलिए। या कंटिन्यू करें, ओके तो एंड करके वापस 5 मिनट्स में आते हैं सर। एंड करके वापस, क्योंकि न्यू टॉपिक चालू होगा सर, तो आधे से करना है। मतलब यू वांट टू अगेन कम बैक? ओके, आई डोंट माइंड, पर वापस लाइव आना पड़ेगा। हाँ हाँ ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो आपको एंड करना पड़ेगा सर पहले। सो हाँ, तो आई थिंक सबको बोलना पड़ेगा आपको कि हम वापस आए, क्योंकि वी विल कम बैक अगेन। सो हर एक व्यूअर्स को मैं बोलूंगा, क्योंकि टाइमिंग लिमिटेशन है यहाँ, ऑटोमेटिकली इंस्टा में आफ्टर 1 आवर्स ऑटोमेटिकली एंड ऑफ हो जाता है। सो हम लोग वापस आते हैं आफ्टर 5 मिनट्स। सो सी यू अगेन। सर सेशन तो सर जी डिवीजन।